हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब सालार की तबाही चल रही है, लेकिन लेकिन भाई वर्किंग डेज जब आते हैं ना सबकी अच्छों की धज्जियां उड़ जाती है, तो सालार क्या चीज है। मतलब भाई साहब प्रभास द डायनासोर को भी वर्किंग डेज में सर्वाइव करना पड़ रहा है। अभी तक चलो हॉलीडेज थे, सैटरडे में अच्छी कमाई करी, संडे को अच्छी कमाई करी, देन मंडे को फ्लेक्सिबल हॉलीडे था क्रिसमस का, उसमें अच्छी कमाई करी। लेकिन भाई साहब जैसे ही ट्यूसडे आया है भाई धज्जियां उड़ गई है। देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और दूसरी बात यार, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के स्कैम रिपोर्ट करके बहुत ज़्यादा ट्रेंड करा यार भाई ट्विटर पर। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जो भी मूवी अच्छा खासा कलेक्शन करती है भाई, ये चीज़ जरूर देखने को मिलती है कि ये सब बॉक्स ऑफिस स्कैम है, मतलब फेक कलेक्शन है वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सैकनिक की रिपोर्ट है वो थोड़ा अलग देखने को मिल रही है, और जो ऑफिशियल रिपोर्ट मेकर्स की तरफ से आ रही है वो थोड़ा अलग देखने को मिल रही है। कौन सच है कौन नहीं है भाई किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ भाई थोड़ा सा ऑथेंटिक है। बट सारे सोर्सेस को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके ही ये रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हो सकती है लेकिन फिर भी स्लाइटली एक्यूरेसी को टच तो जरूर करके जाएगी। तो भाई साहब देखेंगे क्या है क्या नहीं है सिनेरियो, कितना क्या कलेक्शन रहा है नेट इंडिया से पहले 6 दिन में, और आज जो एंट्री छठे दिन में मार चुकी है, पहले 5 दिन में क्या कलेक्शन रहा है, सभी चीज़ों पर एक एक करके नज़र मारेंगे क्या होता है क्या करना है। वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, कल डे 5 की बात करते हैं। कल यानी कल प्रॉपर जो वर्किंग डे था मंगलवार, कल को कैसा रहा है दिन। तो भाई कल 5वें दिन में 24 करोड़ नेट इंडिया कलेक्शन, बहुत नीचे ग्रोथ आ गई है। जहां मंडे को अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिला था 8-10 करोड़ का, डाउनमेंट हमें देखने को मिला है कहां, कल को प्रॉपर वर्किंग डे पे। और ग्रॉस कलेक्शन 30 करोड़ के आसपास, ओवरसीज से 15 करोड़ के आसपास आता नजर आ रहा है, और पूरी दुनिया से 45 करोड़ की कमाई ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक करते नजर आ रही है। तो ऐसा पहले 5 दिन में नेट इंडिया से कितना हो जाता है, 280 करोड़ 53 लाख का कलेक्शन सिर्फ नेट इंडिया से हो जाता है, तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम ऑल लैंग्वेज को मिलाकर। ग्रॉस कलेक्शन 332 करोड़ हो चुका है कल एंड ऑफ द डे तक, ओवरसीज से 180 करोड़ के आसपास, पूरी दुनिया से 512 करोड़। भाई पाँच ही दिन में 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी है ये मूवी, जो कि एक ह्यूज अचीवमेंट है, ह्यूज बिग अचीवमेंट है। जबकि सामने मैं फिर कह रहा हूँ क्लैश चल रहा है भाई, डंकी से क्लैश चल रहा है डोमेस्टिक रीजन पर और वर्ल्ड वाइड ओवरसीज रीजन पर। भाई एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम से क्लैश चल रहा है, बावजूद इसके देखा जाए तो भाई सालार अच्छा खासा स्टैंड कर रही है, अच्छी खासी कमाई ये मूवी कर ले जाएगी। 1000 करोड़ टच करेगी नहीं करेगी ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में अच्छा ग्रोथ करते ये मूवी नजर आ रही है। बात करें आज यानी D6 की, आज कैसी ग्रोथ है, तो भाई आज तो मामला थोड़ा और नीचे जाते दिख रहा है, क्योंकि आज वेडनेसडे वर्किंग डे है, पहला बुधवार है इसका एंड कल थर्सडे है। फ्राइडे को इवनिंग से थोड़ा ऊपर जाते नजर आएगा सिनेरियो, लेकिन फिलहाल भाई 2 दिन अगर इसने अच्छे काट लिए, क्योंकि इन 2 दिन में अगर ये डाउन हो गई तो भाई सब क्रिटिक्स हेटर्स पूरी नज़र गड़ा के बैठे हैं, उन्हें मौका मिल जाएगा कि देखो भाई पहले 2 दिन में अच्छी कमाई कर गई, हॉलीडे था इसलिए कर गई, अब देखो इसकी ग्रोथ पूरी नीचे जा चुकी, क्योंकि हॉलीडे में पब्लिक के पास ऑप्शंस नहीं होते वगैरह वगैरह, बहुत सी थ्योरीज बनाई जाती हैं भाई। लेकिन अगर 2 दिन ही अच्छा सर्वाइव करेगी तो फिर जो फ्राइडे सैटरडे संडे को जो तबाही मचाएगी भाई, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा इसको 1000 करोड़ टच करने से। आज क्या है D6 पर भाई साहब, आज बुकिंग एडवांस सिर्फ 8 करोड़ की हुई है, जो कि ठीक ठाक है, एवरेज ग्रोथ है, जिसमें तेलुगु से भाई अब नीचे आते नजर आ रहा है सिनेरियो, क्योंकि 2 करोड़ 35 लाख आया है। लेकिन हिंदी से अब भाई बढ़ चुका है, जो हिंदी से कलेक्शन हमें स्टार्टिंग में कम देखने को मिलता था अब ज़्यादा बढ़ चुका है, 4 करोड़ 36 लाख। मतलब हिंदी ऑडियंस क्या है, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली ग्रो कराती है भाई, ये चीज़ हमने जवान पठान में भी देखा है। मतलब ऐसा नहीं कि तेलुगु में क्या होता है, साउथ रीजन में फर्स्ट सेकेंड डे फुल रेस्पॉन्स जाता है, फुल तबाही मचाते हैं, लेकिन भाई तीसरा चौथा दिन आते ही बहुत ज़्यादा डाउन आ जाते हैं। लेकिन हिंदी ऑडियंस हमेशा कॉन्स्टेंटली ग्रो करती है, जो डंकी को भी अच्छा खासा कलेक्शन दिला रही है सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी ऑडियंस, तो हिंदी से 4 करोड़ 36 लाख का एडवांस बुकिंग यहां से आ चुका है। तो आज नेट इंडिया से कितना आएगा भाई, मुद्दे की बात पर आते हैं कि आज एंड ऑफ द डे तक ये पहले मतलब छठे दिन में कैसी कमाई करेगी भाई। इंडिया से नेट इंडिया से 22 करोड़ आते नजर आ रहा है, जो और ज्यादा नीचे जा चुका है। ग्रॉस कलेक्शन 27 करोड़, ओवरसीज से 13 करोड़, और पूरी दुनिया से 40 करोड़ के आसपास ये मूवी आज कमाई करते नजर आ रही है। तो पहले 6 दिन में ये मूवी 550 करोड़ के क्लब में पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में एंट्री मार लेगी, जो देखा जाए तो बहुत ही तबाही वाली ग्रोथ है। लेकिन भारी भरकम बजट है इसको, अगर 800-900 करोड़ ये मूवी टच करगी तो भाई ब्लॉकबस्टर हिट, जो बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हिट कहेंगे 2023 में, जो एक नई
डेफिनेशन जनरेट हो गए कि भाई साहब अगर आपको ब्लॉकबस्टर हिट का टैग लेना है वो भी सुपर डुपर भयंकर वाला ब्लॉकबस्टर, तो भैया 800 900 या फिर 1000 करोड़ तो टच करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि जवान और पठान ने जो सेट किया है ना, एक ही साल में दो मूवी बैक टू बैक भाई 1000 करोड़ टच करना बिल्कुल मामूली बात नहीं है। सलार क्या 1000 करोड़ टच कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। भाई मैं मान के चल रहा हूँ 700 करोड़ इजीली आ जाएगा इसके खाते में इजीली। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या एनिमल के रिकॉर्ड को भी ब्रेक डाउन कर जाएगी या फिर लियो मूवी के रिकॉर्ड को भी ब्रेक डाउन कर जाएगी जो 800 करोड़ में स्टैब्लिश कर रही है दोनों, क्या होता है देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो, जय हिंद।